तो भाई कौन कहता है सपने पूरे नहीं हो सकते, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, वक्त सारी चीजें सही कर देता है। अपनी भी सही चीज आ चुकी है। 1 2 3 पता, लाइफ में अगर आप कोई चीज एक बार अचीव कर रहे हो तो आपको लगता है हाँ यार अब इसके बाद कुछ करूंगा तो मुझे खुशी होगी या नहीं होगी, फिर आप वो चीज फिर से अचीव कर रहे हो तो फिर आपको लगता है यार खुशी होगी या नहीं होगी, तो हर बार इतनी ज्यादा खुशी होती है ना कि मुझे समझ नहीं आता ये खुशी कब खत्म होगी। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, एंड आई थिंक ये पार्ट ऑफ लाइफ का प्रोसेस है। भाई अगर आप नए चैनल पे, माय नेम इज करण सहगल, टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे एंड थैंक यू आप लोगों ने ज्वाइन करा है, तो 2 मिनट लगा के सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एंड भाई मैं बता रहा हूँ, आज की जो खुशी है, इतने टाइम से जो हम अचीव करना चाहते थे, आज हम उसके एक स्टेप और क्लोजर आ चुके हैं। अपनी पहली 4x4 SUV, आज तक मैंने कोई नहीं खरीदी थी, ये पहली बार होने वाला है। तो हाँ, एक हिंट आप लोगों को मिल गया, काफी लोगों ने गेस भी कर लिया था, बट देन भाई देखो, पता कि भाई हमारा वेट लॉस होगा, तो वेट लॉस हमारा सारा हो चुका है, मतलब थोड़ा रह गया है, इसलिए हम सेलिब्रेशन के मौके से पहले भी वर्कआउट करके आएंगे, बिकॉज KSRV को मोटिवेट करना जरूरी है। बट देन आज खुशी का मौका ज्यादा है, बिकॉज हमारी कर्नल साहब के लिए एक प्रॉपर उनके मतलब की SUV आ रही है। तुम डिसाइड कर ले, लतिका है, कौन सी गाड़ी है आपके लिए? अच्छा, मेरा दिल कह रहा है आपके लिए, दिमाग कह रहा है लतिका के लिए, बट हमें पता है आ किसके लिए रही। हम भी कतार में खड़े हैं सर। मम्मी आपसे गाड़ी चलवाते हैं। गाइस इस वीडियो पे अगर 1,00,000 लाइक्स आ गए, अगली वीडियो में मम्मी से हम गाड़ी चलवाएंगे, जो सी गाड़ी बोलोगे वो भी कमेंट करके बता देना। हाँ, सोसाइटी से निकलवाना है अपने आपको। क्यों और क्या, कहीं किसी और गाड़ी घोड़ी के ऊपर चढ़ा देंगे? हम ऐसी सुनसान जगह पे मम्मी को लेके जाएंगे, बोलेंगे चलाओ, फिर एक काम करना, सुनसान जगह पे मम्मी को छोड़ना। तो देन भाई आज फुल खुशी का माहौल हो रखा है। सहगल साहब जिस दिन मैं छोड़ के चलेगी ना, सबसे ज्यादा आपने रोना है, तो करके तो दिखाओ। तो कर ना, तू एक ले आओ फिर मैं चली जाती हूँ। क्यों, हमें की जरूरत थी? पापा आप बम्बल डाउनलोड करो, पापा को बोलते हैं देखो बम्बल हम्बल नहीं, हमें बड़ा सिंपल है, आप जाके तो दिखाओ, तुमने सही बोला है, बस हमको किसी की जरूरत नहीं है। अभी हम भी जा रहे हैं, मैं निकलूं, मैं निकलता हूं, आप इनकी शामत टाइट करो। वो भी सोच रही बोलो क्या मम्मी? नहीं नहीं, पुराना साथी हमारा कैमरा आ चुका है, बट ये बताओ आपको क्या लगता है कौन सी गाड़ी है? पता नहीं, मैं तो सरप्राइज हो जाऊंगा। कौन सी गाड़ी आ रही है? राजू कहता है जिम, डैड निकल चुके ऑफिस के लिए, बिकॉज जल्दी जाएंगे तो जल्दी आएंगे फिर पार्टी के लिए। वर्कआउट हो चुका है खत्म, इतने अच्छे नोट पे दिन शुरू हो रहा है ना। लिया देते हैं पदीने, सिखाए आलू छाटते हैं कैसे, एक्सपोली में जाना काटते हैं कैसे। भाई कसम से सुबह सुबह ना 47 की गाना सुन लो और ये वाला गाना सुन लो, ऐसा में दोस्ती यारी एक्स सब के बारे में बातचीत हो जाती है। ऐसे भी कर्मा एक ऐसी चीज़ है जिसमें ना मुझे कुछ कहने की जरूरत है ना आप लोग कुछ कहने की जरूरत है, कर्मा अपने आप ही अपने अपने रास्ते लेता है, जो जिसके अच्छा करेगा उसके अच्छा होगा। एंड मैं तो कह रहा हूँ यार अच्छा ही सोचो, जितना बुरा सोचोगे ना तुम्हें ही बुरा लगेगा और कुछ नहीं है, दूसरे बंदे का कुछ नहीं जाएगा तुम्हारी सोच से, अपनी सोच अच्छी रखो, खुशी रखो, बाबा सहगल का ज्ञान। एंड भाई अभी बस हम घर जा रहे हैं, आज ना हमने थोड़ी सी बॉडी चेक करी जो हम दिखाने वाले थे आप लोगों को, बट देन भैया कहते हैं आज साले डिलीवरी का दिन है, लोगों का मूड मत खराब कर अपनी बॉडी दिखा के। मैंने कहा चलो ठीक है डिलीवरी ले लेते हैं, कल आपको अच्छे से बॉडी दिखाएंगे, बिकॉज बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। एंड काफ़ी लोग मेरे से टिप्स भी मांग रहे थे, काफ़ी लोग बोल रहे थे भैया इतनी जल्दी कैसे करा, भाई देखो दिन रात की मेहनत है। मम्मी को देख के एग्जैक्टली मुझे 3 साल डिलीवरी वाला ब्लॉग याद आ गया, मर्सिडीज वाला, तब भी आप ऐसे साड़ी पहन के जा रहे थे। भाई जिस दिन मुझे डिलीवरी लेनी होती ना उसी दिन इन लोगों को सबसे ज़्यादा काम आते हैं। बट देन एक बात बताओ नाश्ते में क्या खिला दे आज? मेथी आलू के पराठे। मैं तो कह रहा हूँ भाई आज पराठे के, आज कुछ भी खिला दो, फुल एक्साइटमेंट हो रखी है। आज तो मैं कह रहा हूँ जहर भी खिला दो, मेरे लगता नहीं अंदर जाएगा और ऐसे बाहर आ जाएगा बस। मैं क्यों खिलाऊंगी? ओह कौन खिलाएगा फिर, बहुत लोग बैठे जहर खिला रहे, ठीक है जहर को हम मीठा समझ के भाई खुश हो जाते हैं। एनीवेज पराठे खाते हैं, तैयार होते हैं, फिर निकलते हैं। ऐसा कुछ हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, मदर इंडिया
ये खा के जितना मैंने वेट लूज करा ना सारा गायब हो जाएगा। ये परौंठी नहीं है, रोटी है। परौंठी है और ये ना पेट पे लगेगी ना कुछ। सारी माओ का पेट डायलॉग है, मम्मी बहुत पतली, मम्मी इसमें कुछ नहीं है, ना घी है ना कुछ है, साथ में बटर तो आपने दिया ही नहीं, बटर वापस ले जाओ। मैं नहीं खाऊंगा, नहीं बटर छोड़ दो, अब पराठा भाई बटर के बिना मजा नहीं आएगा, तो बटर भी खा लेगा थोड़ा थोड़ा। ऐसे ही बढ़िया पराठे खाने का मजा आता है, घी मक्खन और दूध। तो भाई फुल रेडी हो चुके हैं एंड धमाल हॉट शॉट, इधर उधर लेफ्ट राइट गोलियां निकल रही है, बिकॉज इट्स टाइम फॉर द डिलीवरी। एंड भाई की खुशी से भाई मुझे लग रहा है आप लोगों को भी खुशी होनी चाहिए, बिकॉज आप लोगों के कारण है भाई। मैं मुझे पता है क्लीशे है, हर कोई बोलता है, जेन्युइनली ये जो है जो आपके सामने है, ये जो पर्सनैलिटी है, अगर किसी ने पसंद करा, आप लोगों ने पसंद करा, मुझे पता कुछ लोग नापसंद करते हैं, बट देन आपकी पसंद नापसंद से मैं यहाँ पे हूँ, आपकी ही पसंद नापसंद से मेरे व्लॉग्स चलते हैं। शॉर्ट आपकी पसंद या नापसंद हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो कमेंट्स में क्लिक बेट, ये वो, तूने कुछ नहीं लेना, वही हर बार सेम चीज़। भाई देखो, अगर हम बोलते हम कुछ ले रहे हैं तो हम वो डेफिनेटली लेते हैं, थोड़ा रुक के लेते हैं बट ले लेते हैं। इसी खुशी में दो मिनट लगा के लाइक कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड भाई आज तो फुल पार्टी होने वाली है। तो भाई निकलने से पहले अपने बाल फुल सेट कर लेते हैं, काफी लोग पिछले बार पूछे थे भैया कौन सा हेयर स्प्रे, भाई इसकी मैं सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल रखी, यू गाइस कैन डेफिनेटली चेक इट आउट, अपना इंस्टाग्राम भी डाला है, तो दोनों चीजें करना, ऑर्डर भी कर लेना और मुझे फॉलो भी कर लेना। तो वैसे इस मोमेंट का इंतजार कर रहे थे कि हम अपनी बहन को कब एक गाड़ी गिफ्ट करेंगे, एंड आज भी वो मोमेंट नहीं है क्योंकि हम तुझे कोई गाड़ी गिफ्ट नहीं कर रहे भाई, जितनी तो तैयार हुई है ना, कसम से ऐसा लग रहा है कि गाड़ी इसी को मिलनी चाहिए। लतिका से अगले गाड़ी का नाम ले देता, हमें गाड़ी का नाम नहीं बताना है क्योंकि हमने इतने दिन लटकाया है। मैंने मैच किया उसकी वाइब, देख मार्केटीज के साथ मैंने ऐसे ड्रेस पहनी थी, क्लासी थोड़ी। तो पहले अपनी जबान लड़खड़ा के मत बोल, सीधा सीधा बोल, मर्सिडीज होता है, मर्केटीज है, मर्सिडीज, मर्केटीज, मैं तो मर्केटीज बोलूंगी भाई, ये पढ़े लिखे गवार लोग होते हैं। खुशी हो या गम, खाना ना होना देंगे हम कम, चाहे डिलीवरी लेने जाओ चाहे कहीं भी जाओ, खाना हम फिर भी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल दे रही हूं मैं लोगों की, कुछ भी हो जाए खाना नहीं छोड़ना चाहिए। भाई पता है मैं एक चीज बताता हूँ, मैंने एक बहुत बुरे फेस, चलो वो फिर कभी, वो कहानी ना बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी फिर कभी बताऊंगा, बटर चिकन से रिलेटेड है। समझ गई, बताया अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि हम निकल चुके हैं, एंड मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, छोटा सा मोटिवेशन देना चाहूंगा कि भाई उस जोन में है कि भाई देखो कोई भी सपना छोटा बड़ा नहीं होता, बस सपना देखना मत छोड़ो। ओहो वाह वाह, आज तो वाह, दिल से भाई बात निकल रही है, एंड इसका मतलब ना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। काम करते हैं, इसी नोट पे शोरूम पहुंचते हैं, बिकॉज बहुत लोग इंतजार, सिर्फ करण दो लोग वेट कर रहे हैं, ज्यादा लोग तो वेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मम्मी पापा पहुंच गए। आज भी हम गाड़ी नहीं ले रहे, हम स्पेशल थार की डिलीवरी के लिए आए हैं, तो प्रशांत भी हमारे गाड़ी ले रहे हैं गुरुजी, इसलिए हम तैयारी कर रहे थे कि एक महीना हम तैयार होके ना फुल बॉडी बना के इनकी गाड़ी की डिलीवरी लेंगे। अब अपनी कब आएगी ये थोड़ा इंतजार कर लो, पता चल जाएगा आज के व्लॉग में, पता चल जाएगा अपनी कौन सी और कब आ रही है। महिंद्रा आया तो कवर भैया से मिलेंगे, कवर भैया हमारी कौन सी गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी है, चल रहे थोड़ी देर बाद घुमा के दिखा देना। तो भाई बस ऐसा ही है कि हम शोरूम तो पहुंच गए हैं, गाड़ी काफी लोगों ने गेस्ट भी कर ली है, तो सीधा धमाल होने वाला है, ग्रैंड धमाल। गाइस हम पहुंच चुके हैं फाइनली, काफी लोगों ने गेस्ट कर लिया होगा, काफी लोग गेस्ट कर रहे हैं, बस थोड़ा पलों का इंतजार है। तो तुम पांच वीडियो से करा रहे हो क्या, हर वीडियो में गाड़ी आ गई गाड़ी आ गई गाड़ी आ गई, लोग भी तंग आ गए कि लिया भाई अब तो गाड़ी लिया। कांग्रेचुलेशन मैसेज आ रहे हैं, कांग्रेट्स फॉर योर न्यू कार। भाई आज गाड़ी डिलीवरी बे से बाहर हमारी बहन निकालेगी और कोई नहीं निकालेगा। वे मेरे को एक वीडियो फ्लैश कर रही है, नहीं निकालेगी। भाई एक घंटा इंतजार करवाने के बाद घर वालों को और आप लोगों को कितने महीने इंतजार कराया, एक महीना इंतजार कराने के बाद फाइनली आज हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी है। ये सब नहीं हो पाता, मैंने बहुत परेशान करा है शाइनी दीदी और कमर भैया को, मैं कहा भैया गाड़ी चाहिए पहले दिन चाहिए, और पहले दिन इन्होंने दिलवा भी दी, मैंने भाई खुद अपने वो कहते ना पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, इन्होंने मुझे कहा कि एक हफ्ते से करा लो, मैं कहा हो जाएगा हो जाएगा। तो भाई थर्सडे को जाके मेरा लोन प्रोसेस लगा, थर्सडे फ्राइडे ऐसी बारिश हुई कि मतलब मैंने कहा अब तो गाड़ी नहीं मिलती, बट फिर समाओ बैंक बुंक से बात करके मंडे का हमने ट्यूजडे करा के वेडनेसडे हो गया। तो भाई अब बिग थम्स अप, अब बस अगले साल कौन सी गाड़ी आ रही है
देखते हैं कौन सी भी आएगी। थार ये सोच रहा है यूट्यूब रुक बंद करवाओ महिंद्रा में, साले पहले गाड़ी लेंगे। बट देन भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा था एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू। अरे वाह थैंक यू। इसमें मैंने इनको टायर बोला नए दिलवा दो, इनमें टायर इसमें आए तो नहीं होंगे, बट देन थैंक यू सो मच। तो भाई कौन कहता है सपने पूरे नहीं हो सकते, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, वक्त सारी चीजें सही कर देता है। अपनी भी सही चीज आ चुकी है, माय फर्स्ट 4x4 SUV। चलो 1 2 3। तो जिसके लिए हमने भाई इतनी ताम जाम करी फाइनली बैठ चुके हैं। तू इतनी जल्दी कैसे बैठ गई? चल चल गाड़ी ऑन करके दिखा, अभी पता चल जाएगा इसको गाड़ी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। उसमें ऑन ऑफ यहाँ है, उसमें है, रुक जा रुक जा, ये रहा ये रहा ये रहा। वाह वाह वाह, हाइड एंड सीक। चल सिर्फ मिनी को ऑन हो गई गाड़ी, ऑन कर लिए। हाँ करके दिखा यार, करण नुकसान हो जाएगा। माँ कसम से अपनी गाड़ी जाएगी, मम्मी भी जाएगी और आगे वाली गाड़ी भी जाएगी अगर इसने ऐसा कुछ ट्राई करा गलत। चलो ऑन तो कर, हैंड ब्रेक तो लगी हुई है, ऑन कर। करण मत करना यार, रुक जा पहले मेरे पैर नहीं पहुँचने। सुन ना पक्का यही है ना? हाँ कर दूँ? हाँ दबा के ब्रेक। हाँ बाहर से भी तो ब्रेक तो हार्ड है, इतनी ब्रेक दबा रही भाई, मैं घुसा दी ब्रेक। हाँ पक्का? हाँ भाई इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, बट देन ओवरऑल बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी। आई नो काफ़ी लोगों ने गेस कर लिया था वो 70 किलोमीटर चला हुआ स्पीड में, सो 75 चल गई है, 5 किलोमीटर किसी और ने चला दी है, तो दया को बोल के पता कराना पड़ेगा। ए, इसको क्या करना? ले जा आया। पूछे इसका क्या करना है? कर दो ना। हाँ पक्का ना? हाँ हाँ। तो भाई नारियल फोड़ना है तो हम पापा बोल रहे प्रिया से फोड़वाओ, तो प्रिया फोड़ेगी। प्रिया चल नारियल। हाँ प्रिया फोड़ देगी नारियल, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। तो भाई ये थोड़ा थिक था बट देन टूट गया है, गाड़ी पे हमने पानी चढ़ा दिया है। हाँ तो ये कहने चाहिए कोकोनट को हल्का बनाया था, फिर जाके हम फाइनली निकलने का टाइम आ चुका है। मम्मी बोल दो जय माता दी। नहीं और आगे गाड़ी का नाम, गाड़ी का नाम स्कॉर्पियो छाए, इट्स स्कॉर्पियन टाइम, स्कॉर्पियो एन स्कॉर्पियन टाइम। तो गाइस गाड़ी का फर्स्ट स्टार्ट कर्ण साहब करेंगे, चलो कर्ण साहब। ये करियो कर चुकी, चलो दरवाजा खुले ही जा रहा है। तो भाई इस बार पापा का फर्स्ट स्टार्ट है बिकॉज ये गाड़ी पापा के लिए ही है और पापा इसको अच्छे से चलाने वाले हैं, बहुत खुशी हो रही है। जा रहे हो मुझे छोड़ के? भाई तीन ये लगा रही है, इसका हमें क्या करना चाहिए प्लीज कमेंट करके बताओ। मुझे पता काफ़ी लोगों के काफ़ी विचार हैं, कमेंट्स पढ़ेंगे अगली वीडियो में, आराम से अच्छे से बात करेंगे इस बार। भाई आदित्य ने हमारा धूमधाम से पेशेंस के साथ शूट करा है, इसका ना कहीं 4:30 बजे इसको जाना था, वैसे 4 बजे जाना था, तो 4:30 करा फिर 5 हो गया, तो मुझे ये गाली देने वाला अंदर ही अंदर नहीं अभी ये तो ये कल जाके बोले भैया आपने जो करा ना गलत करा, बट देन ठीक है भाई अभी नया नया है, धीरे धीरे आदत डल जाएगी फिर हमारी। बस स्कॉर्पियो लेके आ भी गए, कह रहे मैं तो लंबा, मैं लंबा जाने की कैमरे के सामने नहीं बोल रहा, कह रहे मैं लंबा जाने की सोच रहा हूँ भैया। फर्स्ट स्टार्ट हमारी स्कॉर्पियो का अब हम करेंगे, तो पापा को मैंने बोला चला लो, पापा कहते नहीं नहीं तू चला के ला, तो अभी घर जाके तब तक वो लोग चेंज कर लेंगे बिकॉज सुबह से ऑफिस गए हुए थे, एंड देन सारे आज मंदिर जाएंगे या फिर अगर कर्नल साहब सो गए तो। हाँ कुछ पूछ रही थी, पार्टी का रहे है। पार्टी खाना का खिला रहे हो, ट्रेडिशन बन चुका है अब। अब तो भाई मैंने अभी अपने दोस्तों सारे दोस्तों को भी गाड़ी दिखानी है, तो पहले मंदिर जाएंगे, फिर रात को खाना खाने जाएंगे, फिर जो मर्जी करो फिर हम कल अपने दोस्तों से मिलेंगे। आपको थोड़ा सा इंटीरियर दिखा देते हैं, तो ये स्टार्ट स्टॉप है, ये अपना स्टेयरिंग है, ये अपना कंसोल है एकदम प्राडो जैसा, ये थोड़ा सेम है एक्सवी जैसा,
ये डिफरेंट है, इसमें फ्रंट कैमरा है, तो इसको दबाओगे तो फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा। अगर हम रिवर्स में डालेंगे तो रिवर्स कैमरा आ जाएगा। थोड़ा सा लैग कर रहा है, बाकी यहाँ पे ड्राइविंग मोड जाइए, 4x4 में आते हैं, तो ये अपना, तो ये फोर व्हील ड्राइव को हम ऑफ कर देते हैं। ऑफ हो जा भाई, तो ये फोर व्हील ड्राइव ऑफ हो गया। बाकी जब पहाड़ों में जाएंगे या फिर ऑफ रोड में जाएंगे तब मजा आएगा। लेट्स गो। इसमें हर जगह सेंसर है। तो भाई इसमें फ्रंट सेंसर भी है, रियर सेंसर भी है, कोई टेंशन। भाई फील तो कसम से पूरी फॉर्च्यूनर, ये बहुत ऊंची है ना, गाड़ी वाली फील आ रही है पूरी। एक्सयूवी में बहुत ही ऊंची है। फाइनली अपनी गाड़ी भाई शोरूम से बाहर निकल चुकी है। ओए भाई, अबे वो सीट हुई होगी, सीट थी ना टंबल डाउन हुई हुई थी, वो ठीक हुई होगी, लॉक हुई होगी। भाई कुछ तो हिला है, थक करके आवाज आई, सीट हो गया है। कोई पीछे अपने गिर तो नहीं गया करण? क्या जब बता रहा, अभी मैंने 4-5 किलोमीटर चलाई है, थोड़ा सा इशू आ रहा है, कोई टायर इम्बैलेंस आ रहा है, ये आई थिंक हवा कारण होगा, तो ये ठीक कर रहा है। बट देन भाई गाड़ी की क्या रोड प्रेजेंस है, हर कोई बंदा मुड़ मुड़ के देख रहा है, मतलब इतनी अच्छी फील आ रही है। एंड एक दो ड्रॉबैक भी हम देख चुके हैं जिसके बारे में बात करेंगे। डू लेट मी नो डिटेल रिव्यू बनाने, बिकॉज मैंने एक सोचा हुआ स्कॉर्पियो वर्सेज एक एक्सयूवी 700 का भी करना है, बिकॉज काफी लोग ये दोनों गाड़ियां देख रहे हैं एंड कुछ लोग कंफ्यूज भी होते हैं, तो एक बार हम कोई अच्छी सी रोड ट्रिप कर ले और मैं गाड़ी को अच्छे से जान लूं। मैं अपने पिछले ब्लॉग में देखो, मैंने दिखाया था आपको एक पूरा गड्ढा बना हुआ है, अभी हमने कुछ इसकी ऑफ रोड टेस्टिंग कर ली। ये देखो छींटे भी लग गए भाई पूरा, इसको मैं आगे तक लेके गया था गाड़ी एकदम। प्रिया गरी पता ही नहीं चला, नहीं क्या कहती है, नहीं तूने स्टंट डायलॉग के मारा, गरी पता तो नहीं चला बट डर लगा। हाँ, तो दिख रहा है बट कुछ फील नहीं हो रहा है। हाँ तो भाई दिख रहा था बहुत बड़ा गड्ढा है बट फील नहीं हुआ कुछ। भाई कर्नल साहब चलो यार, मन नहीं पहनी यार, कोई ना इतना एक्सपोज तो चलता है कर्नल साहब का। भाई मैं कह रहा हूँ चलो यार चले मंदिर। हाँ चलो मंदिर, मम्मी को ले जाओ। बस देखा मुझे पता, मैं कहा पापा हाँ, अच्छा रात को बाहर चलेंगे तो फिर एक ही बार वहीं से निकल जाएंगे। हाँ वो कर सकते हैं। खाने के, अच्छा खाना भाई ऑलरेडी शुरू हो गया हमारा, वो भाई आटते ही बैठ गई है, मम्मी ने लंच नहीं खाया बेटा, हम इसकी बात कर रही है, ये तो खा के गई है, मम्मी ने नहीं खाया, लतिका ने फिर से खाने के लिए बिठा दिया, चार घंटे तेरी गाड़ी के चक्कर में मम्मा ने खाना नहीं खाया। आपका बनता है ये तो गाड़ी में भी खाना खा रही, घर पहुंच भी खाना खा रही है। लोग पूछते हैं कि सीक्रेट क्या है, सीक्रेट है कि थोड़ा थोड़ा धीरे 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 खा, थोड़ा थोड़ा मतलब 1.5 किलो खा जाती है एक बारी में। दादी का चार खत्म होने वाला, किस में भेजा है? अमृतसर। ओह को लगा डाली के तेरे ब्रांड में। क्या हुआ क्या हुआ? अबे उधर देख। क्या हुआ क्या? बच्चे नहीं होते। करो करो ना। बच्चे नहीं होते, मुझे स्कूल नहीं जाना फिर। तो भाई अभी यही हुआ है, अभी प्लान ये बन रहा है, मैं इनको बोल रहा हूँ आज अच्छा दिन है, डिनर पे चलते हैं बढ़िया सा, मम्मी बहाने मारी जा रही मुझे जाना, मम्मी को जबरदस्ती हम तैयार करवा रहे हैं। इतना बड़ा डील, 8 बजे मेरे को नींद आ रही है। 8 कुछ नहीं बोले, चलो मंदिर भी जाना है यार, मंदिर के लिए मना थोड़ी करोगे, मंदिर जाके कुछ खा भी लेंगे हम। 7:30 पापा यार ठंड हो गई है, आपको ठंड नहीं लग रही? ठंड हो रही, मम्मी ने एसी ऑन कर दिया। तो भाई मैं अभी मुझे कपकपी से हो रही थी, मैं कहा यार या तो तबीयत खराब हो गई, ठंड सर्दी आ गई। तो मैं चलाऊंगा यार, अभी तो मिली है गाड़ी। क्या तू चला के तो आया वहां से? तो मैं छोटा बच्चा है क्या? मुझे चलाने दो, मैं बच्चा हूँ तो। नहीं यार चलो। क्या क्या? नहीं यार मैं चलाऊंगा। अच्छा ये गाड़ी तुम टच भी नहीं करोगे? ये क्या बात है, बहुत हो गया तुमने। इसकी किस्तें मैंने भरनी है। हाँ, वो तुम भाई बाबा तुम ही भरो। तो भाई गाड़ी में ऊपर ही खड़ी थी सारी उम्र, मैंने तुम्हारी किस्तें भरी हैं। मेरी किस्तें भरी हैं? मुझे आपने किस्तों पे खरीदा और क्या। तो भाई अभी अब तुम ऐसा है, तुम आगे से गंदी भी कर ले गाड़ी यार। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो भाई ऑफ रोड कर दो पापा। अच्छा आपने देखा नहीं, तुम ऑफ रोडिंग कर रहे शोरूम से सीधा ऑफ रोड पे गए? भाई ऐसी कुछ लग रही है गाड़ी रात को। तो उसका तू कब भाग रही है? अच्छा हुआ ड्राइवर सीट के लिए लड़ते रहो भाई, मैं बैठूंगा आगे, मैं बैठूंगा आगे यार। करण यार ऐसे मत कर यार, मैंने व्लॉग नहीं करना, प्लास्टिक संभाल के रखेगा। हाँ अभी भाई अगली रोड ट्रिप पे जाना है तो ये प्लास्टिक पड़े रहना चाहिए ताकि गाड़ी साफ सुथरी है। चल पीछे बैठा के मैंने बैठना है। कर्नल साहब काफी टाइम से गाड़ी चला रहे हैं, जब से भाई क्या लाइट है यार, इसकी लाइट भी काफी तगड़ी, पीछे की ऑन करो, ऐसे लगता है ड्राइंग रूम में बैठे हो। टोरल मर्सिडीज की टक्कर की लाइट है। हाँ जी कैसा लग रहा है चला के? तू बड़े तूने बोला कर्नल साहब बहुत देर से चला रहे हैं, अभी 2 किलोमीटर चलाया पर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इट इज गिविंग दैट रियल एसयूवी फील ना, जो बिग डैडी। हां वो मर्सिडीज में लगता है आप नीचे सो रहे हो। अब आपको उसको मर्सिडीज से कंपेयर करनी है? नहीं 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 कंपेयर नहीं, मेरी तौबा मेरी मेरे मजाक नहीं, बट ओवरऑल आपको कमांडिंग फील हो रहा है ऐसे, मतलब गड्ढों के ऊपर से, भाई गड्ढों के ऊपर से टैंक की तरह निकल रही है। करेक्ट है करण। हां जी हाउ डम ऑफ मी, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैंने अभी देखा ये ब्राउन कलर का फिनिशिंग। मम्मी को कलर ही नहीं पता था भाई, अब जाके दिस इज कॉफी, अब जाके मम्मी को गाड़ी का कलर पता चला है, अंदर का इंटीरियर का। वाह मोदी जी वाह, आज मम्मी ने डिलीवरी की ऐसी तैसी कर दी। तो भाई मम्मी ने हमें मिठाई लेने भेज दिया है, तो हम सोचते हैं खाली मिठाई क्यों, ऊपर शादी चल रही है, अरे ओए ओए ओए। या तो ऊपर शादी का अटेंड कर लेते हैं।
या फिर मिठाई और गोलगप्पे खा के ठीक ठाक ही लग रही हूँ मैं। मुझे गोलगप्पे खा भी लगे हुए हैं, मुझे गोलगप्पे खा नहीं। ऊपर भी पार्टी चल रही है, मैं काम करते नीचे भी गोलगप्पे खा लेते। और मैं सोच रहा था मिठाई खाने आया तो गोलगप्पे भी खा ही लेते। एक प्लेट तीन प्लेट हाँ सारे आप खा तो ये मत लियो करण शादी का वीडियोग्राफर। एनाकोंडा का मुंह देखो। कुछ ऐसे कि हम जा रहे हैं मंदिर, वहाँ पे भगवान से थोड़ा आशीर्वाद लेंगे, पंडित जी से पूजा करवाएंगे, देन उसके बाद पेट की पूजा करेंगे क्योंकि हमारी छोटी पूजा को भूख लग रही है। अभी तो मंचूरियन खा के गई। मंचूरियन खाया उसके अभी गोलगप्पे खाए हैं, अब इसको खाना खाना है। गाड़ी आए जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, खाना आ रहा चाहिए। हाँ, कोई भी चीज हो खाएंगे। कोई हम फाइनली घर पहुंच चुके हैं, काफी अच्छा खाना पीना हो गया, पेट भी थोड़ा थोड़ा निकल आया है। एंड आपने कौन सा डंडा पकड़ रखा है? किसका डंडा पकड़ रखा है? आपका कैमरे का डंडा। तो भाई अब हम करेंगे आज का व्लॉग एंड। थैंक यू फॉर गाइस लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय सन्स बेल नोटिफिकेशन चैनल। ही इज नॉट गोना पुट ऑलवेज कार वीडियोस। अब खत्म भाई गाड़ियों के वीडियो, अब खत्म। अब थोड़ा बहुत अगर कुछ एक्सपीरियंस आएगा वो शेयर करेंगे, कंपैरिजन शेयर करेंगे, बट अपनी रोड पे प्लीज टेल ऑल द कंपनीज नॉट टू लॉन्च न्यू व्हीकल्स अदरवाइज अगेन ही पुट कार। भाई नई वीडियो आएगी तो हम वीडियो बनाएंगे, बट हम करेंगे आज का व्लॉग एंड। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन, उससे आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग। मुझे विश मत करो यार, ये कांग्रेचुलेशंस। हां इसको कुछ नहीं मिल रहा।